नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत केस में ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की जांच बिल्कुल ही भ्रष्ट अधिकारियों ने की थी। जिन भी अधिकारियों ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट थे और वो सुशांत सिंह राजपूत केस में अच्छे से छानबीन करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो खबर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह से और किस लेवल की हेराफेरी की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने के लिए जिस जांच एजेंसी को जुटाया गया था या फिर जितने भी पुलिस वाले सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने के लिए जुटे हुए थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे और आरोप ये लगे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने के बजाय और भी ज़्यादा इस केस को उलझा कर रख दिया था। वो सुशांत सिंह राजपूत केस में बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो सबूतों को भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के ऊपर, ये एक्चुअल में ही बहुत गंभीर आरोप थे। अब पता करना होगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस वालों ने सच में ऐसी कुछ छेड़छाड़ किया था सबूतों के साथ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, परमबीर सिंह सचिन वाजे ये उस टाइम पर महाराष्ट्र पुलिस के काफी जाने माने प्रवक्ता थे, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया उसके बाद ही इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसके ऊपर खुद ही के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, क्या उन्होंने कभी एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझाने की कोशिश भी की होगी? क्योंकि अपने आप में ये कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत शातिर तरीके से खत्म तो किया ही गया, साथ ही साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की गई और अच्छे से इस केस की जाँच भी नहीं की गई। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।